नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अपनी पीसी में एडोब फोटोशॉप 7 कैसे इंस्टॉल करें, यानी कि मैं उस फोटोशॉप की बात करने वाला हूं जो आप डिजिटल स्टूडियो में जाते हो और जहां पे बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं कि एक मिनट में पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप प्राप्त करें इतने रुपये में। तो जिस फोटोशॉप पर नॉर्मल स्टूडियो वाले फ़ोटो बनाते हैं उस फोटोशॉप की बात कर लेता हूँ जिसमें एक आँख देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फाइल को दिखा देते हैं। तो ये जो फाइल आप देख रहे हो, इस फाइल को मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिए। एक छोटी सी मिस्टेक कीजिएगा तो हो सकता है कि आपके फाइल में कोई एरर आ जाए या एप्लीकेशन में एरर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताने वाला हूँ लाइफ टाइम आपको फ्री बताने वाला हूँ, दोबारा कभी इंस्टॉल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, और अगर डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको दूसरा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आपको इस फाइल पर जाना है जो आपने डाउनलोड किया है, और इसके बाद आपको फोटोशॉप पर जाना है, और फोटोशॉप पर जाने के बाद यहाँ पर सेटअप दिख रहा होगा। ओके, तो इस सेटअप पे जा करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक करना होगा। ओके, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने छोटा सा टैब आया होगा जिसमें आपको यस पे क्लिक करना है, यानी कि हाँ पे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक आँख आ जाएगी ऐसी, और एडोब फोटोशॉप 7.0 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये बेसिक फ़ोटोशॉप होता है और इस फोटोशॉप को चलाना थोड़ा सा आसान होता है और काम वही करता है, मतलब सबसे बेस्ट फोटोशॉप होता है एक बिगनर के लिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अबाउट रीस्टार्टिंग योर सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन, प्लीज क्लोज ऑल एडोब एप्लीकेशन बिफोर प्रोसीडिंग, ओके आपको करना है। और इसके बाद यहाँ पे US इंग्लिश ही रहने दीजिए या फिर किसी और भाषा में, तो आप किसी और भाषा के होते तो मेरी वीडियो देख ही नहीं रहे होते आप, क्योंकि आपको समझ में आ ही नहीं रहा होता। तो चलिए आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एन इंडिविजुअल ही रहने दीजिए और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम डाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे जिसके लिए कर रहा हूँ वो मेरे किसी दोस्त का चैनल है, तो मैं उनके चैनल का नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे लास्ट नेम भी होता है, चलिए मैं इसी नाम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, राम, श्याम, राधे, कृष्णा, कुछ भी डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम डालना होता है, तो कंपनी का नाम डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसको नॉर्मली आप मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करने के बाद आप जिस फोल्डर को ओपन कर रखा था जिसमें सेटअप था उसको बैक करना होगा, तो आपके सामने यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 7.0 का सीरियल नंबर आएगा। ओके, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे नोट पैड में खुल करके आ जाएगा। इसके बाद ये जो नंबर्स हैं इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। इसके बाद ये जो नीचे में आपको इंस्टॉलेशन वाला दिख रहा है आइकन टेक्स्ट बार में, इस पर जाना है, और इसके बाद सीरियल नंबर को पहले वाले टैब में पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है ताकि आपका कर्सर इसमें इंसर्ट हो जाए, और इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे आपका पूरा कोड ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे यस पे क्लिक करने से पहले आपको इंटरनेट बंद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लाइफ टाइम फ्री का लाइफ टाइम फ्री इंस्टॉल करने वाले हैं, एडोब को पता ना चले, मतलब उससे छुपा के सारा काम हमें करना है, तो इंटरनेट को बंद कर दीजिए। ओके, इसके बाद वापस से आइए, इसके बाद यस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कस्टम और टाइपिकल, तो आप यहाँ पे टाइपिकल ही रहने दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जो आ रहा है वही रहने दीजिए, यहाँ पे कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद वापस से आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1% 2% तो इसी तरह से आपका यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाने दीजिए। और हाँ, चैनल पे नया विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपके लिए हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो सेक्शन में जाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे एप्लीकेशन के बारे में ये समझ सकते हैं कि मेरी नज़र में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं, उन सब पर मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर रखी है। तो हो सकता है कि कोई वीडियो आपके काम की हो जाए, और हाँ,
किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जो टेक्निकल से रिलेट करता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, उस पर हम वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड कर देंगे। ओके, और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक किया कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों, आपका इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आप यहाँ पे थैंक यू देख सकते हैं एडोब की तरफ से, और इसके बाद तो आप यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपका यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया होगा शॉर्टकट, लेकिन नहीं आया है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एडोब फोटोशॉप 7 आ गया है, तो इस पर आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है, और इसके बाद आप यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 7 देख सकते हैं, इसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड करना है, और इसके बाद आप डेस्कटॉप पे इसको देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, मैंने ये बोनस में बताया कि किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे कैसे लाया जाता है। यार अब तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से ये ओपन हो चुका है, और थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट में, और आपको इसको पूरा फुल कर लेना है फुल स्क्रीन पे। आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे डू नॉट वाले जो थर्ड ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे नो कर देना है आपको। ओके, और यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए। ओके, और इसमें कोई सेटिंग चाहिए आपको, जैसे कि इसका कलर चेंज करना है या कोई भी इसके इंटरनल सेटिंग चेक की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक फ़ोटो यहाँ पे आपको वैसे ही नॉर्मली ले लेता हूँ, कोई भी साइज ले लेता हूँ। तो मैं नॉर्मली यूट्यूब वाला ही साइज ले लेता हूँ, जो यूट्यूब पर फ़ोटो होता है। ओके, और यहाँ पर मैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे YouTube का जो अपना डिजाइन होता है 1280x720, और ये दोनों जो होता है ये पिक्सल में होता है, और इसके बाद यहाँ पे रिजोल्यूशन ले लूँगा। तो रिजोल्यूशन यार 72 तो काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी मैं 300 लेता हूँ, ताकि बाकी लोगों से अच्छी क्वालिटी में मेरी फ़ोटो दिखे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे का बैकग्राउंड क्या रखना है, वाइट रखना है, बैकग्राउंड कलर रखना है या ट्रांसपेरेंट, तो मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, या फिर वाइट पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं ट्रांसपेरेंट पे ही रखूँगा, कि बाद में कलर ऐड कर लूँगा नीचे में। और इसके बाद आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट मेरा आ गया है। और इसके बाद इसके नीचे में जो भी मुझे कलर डालना होगा, तो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सॉलिड कलर पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं कलर कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ वाइट रेड ब्लू कुछ भी ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, चलो ले लिया। और इसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, थैंक यू। ठीक है, तो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, थैंक यू। ओके, तो आप देख लीजिए, और इसके बाद आपको इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, यानी कि यार इसको सेव करना है। तो आप फाइल पे जाइए, और इसके बाद सेव एज पे जाइए, और सेव एज पे जाने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं JPEG करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर PNG लूँगा तो फाइल बड़ा हो जाएगा, JPEG लेता हूँ। ठीक है, तो JPEG लूँगा और इसके बाद सेव कर दूंगा। सेव के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको हमेशा से लार्ज फाइल पे मत कीजिएगा यार, क्योंकि ना पिक्सल फटने लग जाती है, तो आप मीडियम पे कर लेते हैं, और प्रोग्रेसिव में यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए, और इसको 3 पे या 5 पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में यहाँ से आप 2 MBPS, आप JPEG में कर रहे हैं तो 2 MBPS ले लीजिए, अगर PNG में कर रहे हैं तो 512 KBPS रहने दीजिएगा। ओके, ताकि एक साइज सही आएगा। और यहाँ पर क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं मीडियम क्वालिटी रखूँगा, चाहे हाई क्वालिटी रख लूँगा, मैक्सिमम तो रखूँगा नहीं, क्योंकि पोस्टर कभी कभी बड़ा हो जाता है। ओके कर लेता हूँ, तो आप देखिए पोस्टर मेरा यहाँ पे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो जो मैंने एक्सपोर्ट किया था JPEG में आ गया है। और इसका मैं अगर दिखा दूँ आपको डिटेल्स, तो प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, जो मैंने इसे रखा था तो 28 KB का हो गया है, आप इसे बड़ा चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने सेटिंग बता दिया, कैसे करना है, क्या करना है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।